एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी यही बताना है कि विच रेशियो इज ग्रेटर। ये दो रेशियो दे रखे हैं, इनमें से कौन सा रेशियो बड़ा है, है ना। तो इसको पहले ये जो रेशियो दे रखे हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे? 1/2। ये इस रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड है यहाँ पे 1/3, है ना। या हम ऐसे लिख लें या फिर हम कैसे कर रहे हैं इसको, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 लिख लें। तो क्या होगा, अब क्या करेंगे, ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये अगली ये जो आगे वाली संख्या है इसको पलट देते हैं, यानी आप गुणा कर लेंगे, 3 × 3 आ गया और 2 × 2 आ गया। सेम यही काम हम इस तरफ भी कर लेंगे, 1/6 है डिवाइडेड बाई 1/4, रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है, ठीक है। 1/6 डिवाइड का साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये 4 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब हमारा आ गया 4 × 4 और 6 × 6। अब ये दो रेशियो आ गए हमारे, दो वैल्यूज मतलब, ठीक है। अब इसमें हमें पता करना है कौन सी संख्या बड़ी कौन सी छोटी। अब 2 और 6 का हम एलसीएम निकाल लें, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 और 6 क्या आ जाएगा, 2 × 2 2 × 3 = 6 और 3 × 3 = 6 ही आएगा। तो 3/2 और अब 6 हमें डिनोमिनेटर में 6 लाना है, तो 2 की गुणा हम 3 से करेंगे, 3 से नीचे कराया तो 3 से ही ऊपर करेंगे, 3 × 3 = 9 हो गया और 2 × 3 = 6 हो गया। इसी तरीके से इसमें करेंगे 4/6, हाँ यहाँ तो 6 है ही, इसमें ज़रूरत ही नहीं, यहाँ 1 से गुणा कर दीजिए, कन्फ्यूज़न ना हो आपको, 4 × 4 = 6 हमें 6 ही लाना है ना डिनोमिनेटर में, तो हम इसकी 1 से गुणा कर दें, किसी और से करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, 6 × 2 करेंगे तो 6 × 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमारे देखिए ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम हो गए, अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा छोटा। अब यहाँ पर हो गया 9/6 और 4/6, कौन सा बड़ा है, 9 वाला। तो यानी कि ये वाला रेशियो फाइनल आंसर हम ऐसे लिख देंगे, 1/2 ratio 1/3 और 1/6 ratio 1/4 में कौन सा बड़ा है, ये वाला रेशियो बड़ा है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ में क्या कह रहे हैं, कौन सी संख्या है फोर्थ में, है 3 ratio 1/4, 3 whole 1/3 और रेशियो 4 whole 1/6, ये है एक संख्या, और ये रेशियो दे रखा है, और दे रखा है 0.9 ratio 1, ठीक है, एक ये दे रखा है। अब हमें इसमें पता करना है, तो क्या करेंगे, पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 3/3 = 9/1 10/3 आ गया, और यहाँ आ गया 6 whole 24/1 25/6, ठीक है। तो 10/3 रेशो का मतलब डिवाइड हुआ, यहाँ डिवाइड का साइन लगा लें, 25/6 लिखिए। अब 10/3 यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और 6 ऊपर जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 × 3 3 × 2 = 6 काट दीजिए, 5 × 2 = 10 5 × 5 = 25, तो आ गया 2 × 2 = 4 आ गया और नीचे आया 5, ठीक है। इस तरफ तो ये आ गया, अब इधर देखते हैं 0.9 10 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 9/10 ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, ये वैसे भी नीचे बनी है तो 1/1 आ जाएगा, तो यानी यही संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 9 × 9/10। तो इधर रेशियो आ गया हमारा 9/10, ठीक है। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, 5 और 10 का आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 5 और 10 क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, 5 × 5 = 10 5 × 10, तो अब हमें इसको 10 ही करना है ना। इधर कर लेते हैं, 10 ही तो लाएंगे तभी हम पता करेंगे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, शॉर्ट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करने क्या होगा, 10 × 4 = 40 आ गया और 5 × 9 =
45, ठीक है। तो बड़ा कौन सा होगा, 45 वाला बड़ा हो गया, 9/10 रेशियो वाला। या फिर जब हमने एलसीएम ले ही लिया है तो हम एलसीएम से ही कर लेते हैं, यानी 4/5, 5 की मल्टीप्लाई हमें 10 लाना है, एलसीएम 5 and 10 इज 10 हो गया। तो 5 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, 2 से नीचे कराया तो 2 से ही ऊपर करेंगे, 2 4 8, 2 5 10। दूसरा है 9/10, यहाँ तो 10 है ही, तो इसकी 1 से कर देंगे, 9 9 10 10। अब आ गया हमारा 8/10 और 9/10, कौन सा बड़ा है, 9/10, यानी ये वाला रेशियो हमारा बड़ा हो गया। अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं, 3/1/3 रेशियो 4/1/6 बड़ा है या फिर 0.9:1, तो कौन सा, ये रेशियो बड़ा है, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। अगर अभी भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो, किसी चीज़ में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।